अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के आह्वान पर ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ मंडी की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ मंडी के सचिव युद्ध कुमार शर्मा ने बताया कि यह हड़ताल सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए की जा रही है। शुक्रवार को अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के आह्वान पर ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ मंडी ने मंडी स्थित मुख्य डाकघर के मुख्य द्वार पर अपना धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ मंडी के सचिव युद्ध कुमार शर्मा ने बताया कि यह हड़ताल सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल 16 अगस्त से शुरू हुई है और यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ग्रामीण डाक सेवकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता। इसके साथ ही उन्होंने संघ की मांगों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। हमारी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल 16/8/2017 से शुरू हुई है और अभी तक कंटिन्यू चली हुई है। ये सातवें वेतन आयोग को लेकर के हम लोगों ने इसको केंद्र के आह्वान पर जारी किया है। हमारा सातवां वेतन आयोग 2015 को हमने कमेटी गठित की थी, उस कमेटी के माध्यम से इसको जांचने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई और उसके बाद 2017 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। लेकिन आज दिन तक सरकार ने हमारी इस सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं किया। विभाग ने हमारी ये डिमांड्स को नहीं माना तो तब तक हम अपनी ये स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। ये डू एंड डाई स्ट्राइक है जो लगातार चलती रहेगी जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मान लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, KGNR।